हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो। और अभी मैंने एक दो महीने पहले आप लोगों को बोला था कि मेरा यूएस का वीजा अप्रूव हो गया और आज हम लोग यूएस निकल रहे गए। हैवी सामान था, मतलब फर्नीचर एंड ऑल था, वो सब पैकर्स एंड मूवर्स आके लेके गए। बट जो भी हमको लगा कि हम लोग गाड़ी में लेके जा सकते हैं वो सब कुछ हमने रखा। बट एक्चुअली आज मतलब वाटी लग गई, जब भर रहे थे तो ऐसे लगा यार इतना नहीं रखना चाहिए था क्योंकि इतना सामान हो गया एंड में, छोटा। एनीवेज इट्स ओके, कैसे तो करके फिल किया है। मेरे पैर के नीचे रियाज तो बेचारे मतलब एकदम फंस गया है। रियाज के लिए इतनी सी जगह छोड़ के सब कुछ हम लोगों ने सामान से भर दिया। आप लोग देख सकते, देखो यहाँ से लेके पीछे तक, यहाँ से मतलब मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ से लेके पीछे तक फुल ऑक्यूपाइड, मतलब हवा के लिए भी जगह नहीं रखी है, इतना फुल हो गया है। बट एनीवेज कनाडा छोड़ना भी थोड़ा सा मतलब दर्द हो रहा है यार, बुरा लग रहा है क्योंकि दो साल यहाँ पे थे हम लोग और बहुत ही अच्छा रहा। Yeah, was very sad to leave his friends. He was very, very sad. उसका कल बर्थडे भी था तो वो भी थोड़ा सेलिब्रेट किया उसने अपने बर्थडे। A day before yesterday, yeah. परसों उसका बर्थडे भी था तो वो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया उसके दो तीन फ्रेंड्स को बुला के एंड इट वॉज फन। बट हाँ, दो साल यहाँ पे थे, बहुत अच्छा था। न्यू लाइफ इज अगेन गोइंग टू स्टार्ट। पहले तो मतलब जब पहले मैं पुणे में थी, फिर पुणे से मुंबई आ गई शादी के बाद, फिर मुंबई से हम लोग यूएस शिफ्ट हुए, फिर यूएस से कनाडा आई, तो इतना सब कुछ अभी ट्रैवल मतलब शिफ्ट हो रहे थे एक से दूसरे जगह पे, तो इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा था एंड काइंड आई वाज हैप्पी आल्सो कि हाँ नए नए जगह देखने को मिल रहे तो मज़ा भी आ रहा था। बट इस बार एक्चुअली थोड़ा डर लग रहा है, मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा छोटू है ना, इसीलिए क्योंकि इसको बहुत हैम्पर होता है, राइट? स्कूल चेंज होता है, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, जगह चेंज होती है, हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। बट इनको थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट होता है फ्रेंड्स को छोड़ना, वापस न्यू बनाना एंड ऑल। तो आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए, घर और स्कूल, इसको फ्रेंड्स, हम लोगों को फ्रेंड्स। अभी वहाँ पे जाके, यहाँ पे तो एटलीस्ट हमारे कजिन्स थे तो वी वर ब्लेस्ड, बहुत अच्छा था। बट वहाँ पे अभी वापस सब कुछ नया, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग न्यू। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। न्यू चैलेंजेस, न्यू लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेज एंड ब्लेसिंग्स। आई नो आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे इतनी सारी दुआएं देते हो ना कि मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस सो मच फॉर ऑल दिस। कल आज बारिश भी हो रही है सुबह से, इतने दिन बारिश नहीं थी, बहुत अच्छा था वेदर और सुबह से बारिश हो रही है। या आई शो देम, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग कैनेडा क्रॉस करेंगे तो लगभग 8 hours का ट्रैवल है, बट हम लोग रुक के जाएंगे, मतलब आज 4-5 घंटे का ट्रैवल है, उसके बाद फिर होटल में रुकने वाले, फिर कल आगे का जर्नी ये करेंगे। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू मिशिगन, मिशिगन में स्टॉप है, वहाँ पे रहने वाले हैं, फिर कल शिकागो के लिए निकलेंगे। तो अभी इमिग्रेशन का ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि वहाँ पे वापस थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह होगा बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे। आई जस्ट होप सब कुछ अच्छे से हो जाए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है। अभी हम लोग आई थिंक 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे बॉर्डर पे कैनेडा। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, बाय। ये है बॉर्डर कनाडा और यूएस का, अभी यहाँ पे सब चेकिंग इमिग्रेशन सब होगा। आई जस्ट होप, देखते हैं अभी कितने घंटे लगने वाले हैं, आई जस्ट होप जल्दी से हो जाए। सो लेट्स सी, अभी लाइन में खड़े हैं और कब देखते हैं अपना नंबर आएगा। हाय गाइस, तो अभी जस्ट हम लोगों का बॉर्डर क्रॉसिंग हो गया है। हम लोगों को लगा था कि ना आधे घंटे में हो जाएगा, बट तीन घंटे से भी ज़्यादा लगे एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। माय गॉड, वाज सो मच। ओनली 3 hours रियांश? नो रियांश, इट वाज 3 hours। वी रीच्ड एट 2:00, इट्स 5:00 नाउ। सो थक गए, सर दुख रहा है, तो पूरा मतलब सब कुछ जितना सब सामान है वो भी चेक करते हैं, फिर उसके बाद सब पासपोर्ट एंड ऑल सब चेक करके, गाड़ी इम्पोर्ट करनी थी कनाडा से यूएस तो वो सब कुछ हो गया है अभी।
और अब भी हम लोग फाइनली हाईवे पे पहुंच गए हैं और यूएस पहुंच गए हैं इन शॉर्ट। तो अभी कुछ खा के फिर हम लोग पहुंचेंगे हमारे होटल में। या सो वी आर गोइंग टू मिशिगन नाउ। फिर होटल में रुकेंगे। सो दिस इज यूएस मिशिगन। इन योर वर्ल्ड। चलो अभी होटल पहुंच गए हैं। चलो गाइज अभी पहुंच गए हैं। रात के 9 बज गए यार, बहुत थक गए हैं। मतलब सुबह 9 बजे निकले थे, अभी रात के 9 बजे पहुंचे हैं। होटल पहुंचे हैं, अभी यहाँ पे सोएंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे और फिर जाएंगे शिकागो, जहाँ पे हमें कंपनी ने घर दिया है 1 महीने के लिए। फिर वहाँ पे रहेंगे 1 महीना और फिर हम लोग उस टाइम पे घर ढूंढेंगे और फिर शिफ्ट होंगे। तो बड़ा प्रोसेस है, बट एनीवेज आज तो बहुत टायर्ड हो गए हैं। सो कल मिलते हैं। अभी आप लोगों को घर भी तो दिखाना है ना मेरा यूएस का। सो स्टे ट्यून्ड और कल मिलेंगे। अभी बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप लोग सब ठीक हो। और अच्छा, अभी आप लोग निकल गए हैं घर के लिए। सो 3 घंटे का रास्ता है अभी यहाँ से, फिर एक बार घर पहुँच जाएंगे फिर रिलैक्स हो जाएंगे। सो इट वॉज गुड। या वी आर गोइंग टू शॉम्बर्ग। We don't know where are we going. Yeah, we'll see somewhere we'll go. Okay. Okay, guys. See you in a bit. Bye. आ गए हैं. आ गया है ना? Yeah, it's very big. So guys, अभी हम लोग रूम में एंटर हो रहे हैं, देखते कैसा है। हेलो, हाय बेबी। ओह माय गॉड, आई एम गिविंग यू अ सरप्राइज फॉर मम्मा। हे डोंट लुक। कैन आई कम? हे, यू सीइंग? नो नो, माय आईज आर क्लोज्ड। Okay. Can I open my eyes? No, wait. Now can I open? No, wait, I'm just moving. आंखें बंद करके बैठी हूँ मैं। Why is this opening? Now can I open? Yeah. Huh? Yeah. No, wait, close your eyes. Hey, it's closed. Now open your eyes. Wow. Beautiful room, Riyaz. This is where I can sit. Nice. Om Sai, Om Sai Ram. Om Sai Ram. I can study here. You are also here. Wow, that's what you always wanted, right? Yeah, and also look, that's the balcony. Good. I wore shoes. It's okay, you have to bring the bag inside, na puta? Okay, I'll bring it. Very nice room. बाहर ही है। आहा, पप्पाज ऑफिस, वेरी नाइस। अच्छा, ब्यूटीफुल रूम, बहुत ही प्यारा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस क्लोजेट। आहा, हाँ बेबी। अरे कितना अच्छा क्लोजेट है। ओ बट मेरे को बुरा लग रहा है, हम एक ही महीना है यहाँ पे। दिस इज ये नाइस बेडरूम, टीवी, सो गाइस घर अभी आपने देख लिया है, कितना सुंदर घर है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा और रियाज का तो हैप्पीनेस आप लोगों ने देखा ही होगा। ये था कनाडा से यूएस और मैं बहुत खुश हूँ भगवान ने यहाँ आने का मौका दिया है। मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया था कि आप लोगों को पता हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, तो सो दैट यू गाइज आर अपडेटेड, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया था। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज फर्स्ट मॉर्निंग है हमारी नए घर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुपर। तो जा रहे हैं शिकागो डाउनटाउन, थोड़ा काम है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ शिकागो डाउनटाउन। सो
वैसे भी अभी तक का जो भी ब्लॉग था थोड़ा सा बोरिंग था, राइट? तो शिकागो देखते हैं गाइज, लेट्स गो। सो गाइज, अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, उनका कुछ काम था, तो और मैं और रियाज ऐसे ही डाउनटाउन पे सैर के लिए निकले हैं। थोड़ा सा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, या विल गो टू अ पार्क, सिट देयर, और अ मॉल जो भी है यहाँ पे नजदीक। तो अच्छा लग रहा है बहुत, मेरे यहाँ पे अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। Where do you want to go? Park? Yeah, the park is fine. Achha, that park? I think we should have gone there only. That park, na? Yeah. We can go back there. No problem. Because let's see. So the park has come. So come from here. Let's walk from inside. Why on the road? Come. Haan. So guys, abhi hum log yahan pe park mein aake baithe hai. Thodi der yahan pe baithenge aur phir... जैसे मेरे हस्बैंड का हो जाएगा काम, फिर हम लोग जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल बैकग्राउंड भी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो ये बिग बस तो इसमें आप लोग बैठ सकते हो और पूरा शिकागो बैठे बैठे देख सकते हो, मस्त एकदम। और ये है डाउनटाउन के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वाओ, इट्स लाइक स्काई स्क्रेपर्स, वाओ, कितने बड़े यार, सुपर है। एंड दिस इज अ पार्क, मी एंड रियांश आर हैंगिंग आउट एंड शोड देम द फ्लावर्स। Yeah. And these are the pretty, pretty flowers. Yeah. Oh, so cute. वैसे यहाँ पे साइकिल रिक्शाज भी मिलते हैं गाइज, दिस इज सो कूल, राइट? मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे भी नहीं पता था कैसा है, सो कूल। सो गाइज, अभी हो गया हम लोगों का पार्क में, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मेरे हस्बैंड के ऑफिस के यहाँ पे। And we'll also show you the office when we reach there. और फिर हम लोग खाएंगे पियेंगे घर जाएंगे। बहुत थकान है, तो हम लोग बहुत ऐसे घूमने नहीं वाले हैं, डाउनटाउन में वापस आएंगे आराम से। आज जस्ट ऐसे है कि रियाज को बहुत बोर हो रहा था घर में बैठने के लिए, तो हम लोग आ गए। सो आई होप आपने थोड़ा बहुत तो देख लिया होगा शिकागो। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।